गाइस, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, वर्मी कंपोस्ट बिन सेटअप एट होम अंडर ₹500, तो आप पहले उसे देखें क्योंकि ये पार्ट टू है। थैंक यू। तो गाइस, हम बात करेंगे बेनिफिट की कि हमें इसको क्यों करना चाहिए। आप देखें कि अगर हम किसी भी वेस्ट को, जो बायोडिग्रेडेबल है, उसको हम ऐसे कचरे के रूप में हम बाहर दे देते हैं, तो अभी भी हमारे देश में ढंग से कोई भी जो कचरा है उसका सेग्रीगेशन नहीं होता है, देखा जाए तो इससे अच्छा आप अपना जो वेस्ट है वो बाहर दें, इससे अच्छा आप उसका कंपोस्ट बनाएं। जितनी भी आप किचन गार्डनिंग या जो भी आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं उसमें उसका यूज़ होगा। तो एक तो ये हो गया, नॉर्मल आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो अगर आप देखें 200 से 300 रुपये आपके मोस्टली इसमें जो है लागत आएगी, और आप इसको मार्केट में 500, 1000, 1500 इस तरीके के रेट में आपको उसको सेल कर सकते हैं। आप अपनी मार्केटिंग के थ्रू या ब्रांड जो भी बनाएंगे उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। और आजकल लोग ज़्यादा जागरूक भी हो चुके हैं नेचर के प्रति, और चाहते हैं कि जो भी अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, सिटीज़ में रह रहे हैं, उनके पास ग्रीनर एरिया हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, डोमेस्टिक और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी अच्छा है। और जितने भी आपके पौधे हैं उनकी ग्रोथ आप देखें, 15 दिन से महीने के अंदर, जो आप एक पौधे को ये वर्मी कंपोस्ट दें, एक को ना दें, तो आप इसको खुद भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस आएगा ग्रोथ में। तो आप अगर फ्रूट वाले कोई पौधे लगाते हैं, कोई अगर आप फ्लावर वाले लगाते हैं, तो उनकी ग्रोथ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। तो आप मेरे पहले वीडियो में भी देख चुके हैं कि मैंने एक तरबूज लगाया था जो कि एक डिफरेंट, डिफरेंट काइंड का था वो। तो उसको जो मैंने लगाया था उसमें भी मैंने वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया था ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके, क्योंकि नॉर्मल मिट्टी अगर मैं यूज़ करूँगा तो उतना उसमें ग्रोथ नहीं आती है, उसको पानी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट दिया मैंने और थोड़ा सा गोबर उसमें मिक्स किया था, काउडंग, और उसमें मैंने यूज़ किया था जो कोको पीट होती है वो, ताकि लाइट वेट रहे हमारे रूफ टॉप के लिए। तो इस तरीके से मैंने यूज़ करके बनाया था। तो गाइस, दो टाइप के वर्म्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। बेसिकली जो हम वर्मी कंपोस्ट के लिए वर्म्स यूज़ करते हैं वो छोटे होते हैं और रेड कलर के होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, और जो कि स्मॉल होते हैं, जो कि अगर हम मड को या सॉइल को खोदते हैं तो हमें 1 फीट के अंदर अंदर अर्थ क्रस्ट पे मिलता है। और जो बड़े होते हैं और मोटे से होते हैं, जो एक्चुअल में अर्थ वर्म होते हैं, जो मिट्टी खाते हैं, वो हमको 1 फुट से नीचे नीचे अर्थ क्रस्ट के मिलेगा। तो इनमें मेजर डिफरेंस ये है कि वर्मी कंपोस्ट के लिए जो कचरा खाने वाले होते हैं वो स्मॉल होते हैं और रेड कलर के होते हैं, और अर्थ क्रस्ट के 1 फिट के ऊपर ऊपर मिलते हैं ये सारे वर्म्स। तो हमारे लिए ये कामयाब है, तो हमें यही वाले वर्म्स यूज़ करने हैं। ये नहीं कि हम कोई भी अर्थ वर्म उठाएं और बड़े से वो डाल दें, वो नहीं चलेंगे इसमें, वो कामयाब नहीं है। तो आप कहाँ से बाय कर सकते हैं? आप किसी भी नर्सरी से इसे बाय कर सकते हैं, और किसी भी जो मतलब कि ये एग्रीकल्चर वाले हैं वो आपको सेल कर सकते हैं। और मार्केट में जो रेट है इसका वर्म का, अराउंड 1 kg का ₹400 है, और एज़ पर मतलब कि एरिया वाइज भी डिफरेंट डिफरेंट है, आप पता कर सकते हैं अपने लोकल एरिया में। तो आपको स्टार्ट करने के लिए 1 किलो बहुत है, 1 kg के अराउंड बहुत है। तो आप 1 kg या हाफ केजी से, क्योंकि ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रो करते हैं, आप इनको हाफ केजी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, हम बात करेंगे कि हम कौन सा किचन वेस्ट इसमें डाल सकते हैं, तो उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम ये मतलब ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ इसमें नहीं डालनी है। हमें इसमें कोई भी खट्टा सॉल्ट, जैसे नींबू हो गया, मौसमी होगी, कोई भी खट्टी चीज़ के छिलके या खट्टी चीज़ नहीं डालनी है इसके अंदर। कोई भी हमें इसमें आलू का छिलका, प्याज का छिलका, लहसुन का छिलका, या लहसुन प्याज कोई भी जो आइटम है हमें नहीं यूज़ करनी है। सिनेमन नहीं डालना है इसके अंदर, हमें नमक नहीं डालना है और चिलीज़ नहीं डालनी है। तो ये छोटी सी लिस्ट है, हमने ही डालनी, बाकी आप जो मर्जी आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है आप डाल सकते हैं इसके अंदर, जैसे कुकुम्बर पील हो गया उसका, और जो भी आपका मतलब कि किचन वेस्ट है, चाय पत्ती से लेकर हर चीज़ उसमें डाल सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है। तो और आप ये देखें कि आपके पास जैसे आधा किलो
के करीब केचुए से आप स्टार्ट कर रहे हैं अर्थवॉर्म से, तो आप उसका हाफ फूड उसके अंदर डालें, मतलब 250 ग्राम कचरा उसके अंदर डालिए, तो आप देखिए कितनी देर में, एक दिन में खा जा रहे हैं या दो दिन में, कितना टाइम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनमें डालें ताकि वो सड़े भी ना। और हाँ, इसमें थोड़ी बहुत स्मेल आती है, तो आप इसको किसी बालकनी में, किसी ओपन एरिया में रख सकते हैं, बट याद रखें कि वहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री से 30 डिग्री तक ही रहे, उससे ज़्यादा ना हो, और डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना पड़े वहाँ पे। तो इस तरीके की लोकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, और जब भी आपको लगे उसमें जो अर्थवर्म की कंपोस्ट है उसमें मॉइस्चर की कमी है, थोड़ा बहुत आप उसमें वाटर डाल सकते हैं। तो गाइस, इसके 3 मेजर प्रोडक्ट हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने लिए फॉर डोमेस्टिक यूज़, अपने किचन गार्डन के लिए। पहला हो गया वर्मी कंपोस्ट, दूसरा हो गया वर्म टी जो कि हम पौधों में डाल सकते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। जैसे कि हम वर्मी कंपोस्ट है, कम से कम एक पौधे में हम अराउंड 1 कप के करीब हम डाल सकते हैं विद सॉइल मिक्सिंग करके। और वर्म टी जो है वो हम 10 लीटर की बाल्टी में 1 लीटर या 500 ml हम उसमें वर्म टी डाल के मिक्स करके, मिक्सचर बना के हम हफ्ते 15 दिन में डाल सकते हैं अपने पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए। और अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के बात से तरीके से बात करें, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लेके अगर हम बात करें, तो इसमें 3 प्रोडक्ट हो जाते हैं। वो क्या, आपका एक तो वर्म टी हो गया, अगर आप ज़्यादा एक्युमुलेट लिक्विड आ रहा है तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं, 5 लीटर को आप 50 रुपये से लेकर 100 रुपये लीटर कुछ भी आप मार्केट में बेच सकते हैं। आप ऐसे कई सारे वर्मी कंपोस्ट के जो सेट है बना सकते हैं। दूसरा, आप इसके वर्मी सेट जो बनाएंगे उसको आप सेल कर सकते हैं, पूरा सेटअप तैयार करके आप उसको सेल कर सकते हैं मार्केट में। तीसरा प्रोडक्ट हो गया हमारा इसमें कि आप वर्मी कंपोस्ट बेच सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है। ऑब्वियसली अगर आप कोई मिक्सिंग नहीं कर रहे तो क्वालिटी आपकी अच्छी होगी, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। चौथा प्रोडक्ट हो गया वर्म्स, आप वर्म्स भी 400 रुपये किलो से लेकर अलग अलग डिफरेंट रेट हैं, तो आप उसको भी सेल कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा हो गए आपके पास, क्योंकि ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई जल्दी होते हैं, तो आपके पास इसको रखना मुश्किल होगा, तो आप आगे किसी को सेल कर सकते हैं या किसी को देना चाहें, शेयर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। दैट्स फॉर ऑल टुडे। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, उसमें कुछ अच्छा वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है, तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय गाइज़।